नमस्कार डेविल का परिवार। तो यार आज हम एक ऐसा मोड खेलने वाले हैं जिसमें चार ब्लॉक खोदते ही सीधा बेडरॉक आ जाता है, जिसमें माइन करना तो एकदम इम्पॉसिबल है। और ये पता है वर्ल्ड में किसका राज है? जस्ट जली, मस्त जली का राज है इस वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में वही फैले हुए हैं यार। हाँ तो एकदम सही समझे, हम सही पकड़े सुपर फ्लैट हैं। वर्ल्ड करने वाले हैं, 100 डेज करने वाले हैं यार। तो इसमें हमारा एम ये रहेगा कि हमें इसे डेविल कवच में कवर अप होना है। हाँ, अनपढ़ हूँ, मेरा मतलब है निदर राइट के सूट में कवर अप होना है, और फिर 3 मुहैया राक्षस को मारना है और उसका निदर चार चुरा लेना है। हाँ यार, मेरा मतलब है विदर को मारना। यार तुम बात समझो ना यार, और फिर बीकन की रोशनी ऐसी बनानी है यार कि मार्स के एलियन को रात में थतिन थतिन नाच नचवा दे। और फिर इसके बाद हमें लावश घर बनाना है, लैविश नहीं, लावश घर बनाना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही भगवान ने हमें धरती पर टपकाया, हमें एक मिठाई का डब्बा दे दिया। उस मिठाई के डब्बे में थोड़ी बहुत मिठाइयाँ थी तो हमने चुरा ली। स्लाइम आ रहे थे, हमने सोचा दोस्ती कर लेते हैं, पूरे स्लाइम कम्युनिटी के साथ भाईचारा बना रहेगा तो भाई जिंदगी जीने में थोड़ी आसानी रहेगी। पर ये स्लाइम कहाँ सुनने वाले हैं, ये तो लड़ाई में विश्वास रखते हैं भाई साहब। फिर हमें किसी तरह बचते बचाते अपना मिठाई का डब्बा चुराना पड़ा, वरना तो यार क्या बताऊँ, मैंने इनके 5 किलो कम करवा दी, दौड़ा दौड़ा के, इतना दौड़ाया कि स्लाइम भी पतले हो गए थे समझे। मतलब इन्होंने पीछा करना छोड़ दिया, पर मेरी स्टेमिना इतना ज़्यादा कि मैं भागते ही रहा भाई साहब। अब ये लोग थक के बैठ गए और फिर हमने चोरी कर ली, बस मस्त आराम से अब हम विलेज ढूंढने निकल पाए। मेरे को 3 शिप दिखाई दिए और फिर तो फिर हम उनके साथ एक्स निकाल के खेलने चले गए, पर यार बड़े जल्दी थक जाते थे तो क्या कर सकते हैं, उनमें उतना स्टेमिना नहीं होगा यार। अंदर की बात असल ये है कि पापी पेट का सवाल है यार, तो पापी पेट तो कुछ भी करवाता है इंसान से यार। काफ़ी बहुत टाइम हो गया था यार, एकदम चलते चलते बहुत थक गए थे यार। फाइनली हमें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी जिसमें हमें पूरी ज़िंदगी काटनी है। अरे नहीं नहीं पूरी ज़िंदगी नहीं, बस 100 दिन काटने हैं इस विलेज में यार। तो विलेज को हम ढूंढ देख ही रहे थे कि क्या क्या है इस विलेज में यार। 2 वेपन भाई का घर दिखाई दिया यार, ये दोनों मेरे अनमोल रतन, एक का नाम राम दूसरे का नाम लखन है यार। आंखों में आंसू आ गए यार। फिर जो हमारे खून में है यानी चोरी चकारी, तो दबे पाँव एकदम चोरों की भांति हम चल पड़े। लेकिन ये पागल इंसान आगे, भाई साहब मेरी हार्ट बीट तेज कर दी इस पागल इंसान ने। लेकिन हमने तब भी डेयरिंग के साथ चोरी कर ली, हमने कहा पुलिस बुलाएगा, देखा जाएगा, जब आएगी तब देखा जाएगा। और भाई साहब हम चोरी करके गेट खोल के ऐसी तेजी में भागे हैं ना, लेकिन हमने गेट बंद किया जैसे सुराग ना रह जाए समझे, हम प्रोफेशनल चोर हैं। तो ऐसे ही हमने दूसरे वाले के घर में भी चोरी करने चले गए, राम के घर में, और भाई साहब सारा डायमंड और फिर अपने अपने आप को आयरन में कवर कर दिया। इसके बाद हमने चोरी पे चोरी करी, हमारा कॉन्फिडेंस एकदम पीक पे आ चुका था भाई, कोई कुछ बोलता ही नहीं था यार। हमें लकड़ियाँ की बहुत ज़रूरत थी तो जो हमारे जितने भी ओक सैपलिंग मिले हमने एकदम पेड़ उगाने का काम एकदम पहले दिन ही शुरू कर दिया यार। हमें लकड़ियाँ बहुत सारी चाहिए थी, एकदम तुरंत तुरंत पेड़ लगा दिए यार। तो दूसरे दिन से हमने बस पेड़ काटना शुरू किया, जो हमारे पेड़ बढ़ चुके थे उन्हें काटा भाई साहब एकदम। हमें ना लकड़ी का सौदागर बनना था, इतना पैसा चाहिए था, दुबई जाके ना यार लकड़ियां बेचनी थी, पैसा ही पैसा होती। हालाला बे भी हर जगह लड़कियां ही लड़कियां होती, जवान फिसल गई, हर जगह लकड़ियां ही लकड़ियां होती, दिल की बात बाहर आ रही है। हाँ तो बस यार इतना पैसा होनी चाहिए कि पूरी जिंदगी हम दुबई में काटे एकदम मस्त बुर्ज खलीफा पे बैठ के। इसलिए हमने यार रात में भी लकड़ियां काटी यार, बहुत पैसा चाहिए था हमें, बहुत बड़ी जिंदगी जीनी थी। हमने जितनी भी लकड़ियां काटी थी यार उसका हमने फेंस बनाना शुरू किया, क्योंकि हमें बहुत सारे फेंस की जरूरत थी। अब कुछ लोग सोचेंगे इतनी फेंस का मैं करूं, लगता है ये पागल हो गया। तो यार फेंस से मेरे को पूरे गांव को कवर करना था, क्योंकि यार इन स्लाइमों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मजाक से हटके इन स्लाइमों ने मेरे दिमाग में हेड टॉर्चर कर दिया था, मेरा हगना मूतना सब दुराबर कर दिया था यार। बहुत ज्यादा मुश्किल था मेरा जीना यहाँ पे इनके साथ, इसलिए मिशन फेंस ऑन। बोले तो ना, ये जो डेवल है ना अपने साथ साथ पूरे गांव की सोचता है, समझा क्या सर्किट? समझाना भाई, अपना डेविल बहुत बड़े दिल वाला है। पर तो ये फेंस लगाने का काम बड़ा मुश्किल है यार, पता है इन स्लाइमों ने मेरे पुट्ठे लाल कर दिए थे यार, मार मार के यार। मैं डांस करने लायक भी नहीं बचा था यार, अब पूरे गांव में मैंने डांस नहीं किया कितना टाइम तक यार इनके कारण, अब बहुत टाइम लग रहा था। One eternity later. तो ये लगाते ही हमारा काम तो पूरा हो गया यार। सब छोड़ो, वीडियो वीडियो यहीं पे रोक दो यार, मेरे को ये पहले बताओ कि ये वहाँ पे पहुँचा कैसे, ये उड़ के वहाँ पहुँचा कैसे, मुझे ये जानना बस, और कुछ नहीं जानना अभी फिलहाल के। अब लगना शुरू हो चुकी थी भूख और अब मेरे को चाहिए था एक अपना फार्म। तो यार मैंने अपने प्यारे वीर जवानों किसानों का गेहूँ चुरा लिया रात में। हाँ तो यार फिर हमने दिन में अपना फेंस बनाने का काम शुरू किया बस। तो नहीं नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं नाइट स्टॉकर से डरता हूँ, बस यार मैं एक अपला नारी हूँ, बहुत ज़्यादा चेटता है, ज़ोंबी तो आके मुझे टच करता है और स्केलेटन तो भाई अखियों से गोली मारता है, और यार क्रीपर तो पास आके चुम्मी दे जाता है यार, बूम करके पूरी थूक गाल पे लगा देता है। छी 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 छी
तो मेरा प्यारा सा फार्म बनते हुए देख लो यार आप लोग भी। यार फार्म वार्म का काम तो होता रहेगा, बस अब चोरी चिकारी का काम करना। तो अब मुझे रेड मारने जाना है दूसरे विलेज में, मस्त चोरी करके आना है। यार तुम बड़े घटिया विलेज में आ गए, यहाँ पे लूट के लिए कुछ था भी नहीं और हम चोरी बड़े घटिया थे, तो हमने यहाँ पे यार लाइटें भी चुरा ली, हम इतने घटिया चोर थे। और हमने लोगों को जॉबलेस भी कर दिया भाई, बहुत ज़्यादा घटिया चोर थे। लाइटें तो इसलिए चुराई क्योंकि यार नाइट स्टॉकर से बचना था यार, बिल्कुल काम नहीं करने देते रात में यार, बिल्कुल काम नहीं देते। एक दिन हम आ रहे थे यार, हमने देखा आयरन मैन उनके साथ नाचा, जिनका हमें सबसे ज़्यादा नफरत है। तो एक अच्छा राजा होने के नाते मेरे को पूरा अधिकार है कि मैं धोखेबाजों को दंड दूं, तो मैंने इसे मृत्यु दंड दे डाला। तुम देख लो भाई डार्क विंड डेविल कितना डेयरिंग बंदा है, स्लाइम पीछे पड़ा है और खेत का मालिक वहीं खड़ा है, तब भी तेरे भाई ने चोरी कर ली वहां जाके, समझा यार। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, यार इस बंदे ने सुसाइड कर लिया यार चुल्लू भर पानी में डूब के। यार तो रात में ही बैठ के हमने यार उनकी टॉर्चे बहुत सारी चोरी करी यार, टॉर्चों के तो हमने एकदम लूट ही दिया, एकदम अंधेरा कर दिया यार विलेज में। और यार ये नाइट स्टॉकर है यार मेरे पीछे लग गए थे यार, बड़ा गुस्सा आता था यार, मतलब हर जगह मेरे पीछे भागते जा रहे थे, एकदम पड़ गए थे पीछे यार। ये विलेज में मेरे को वेपन भाई का घर बड़ी मुश्किल से मिला, मैंने यार लावा वावा इनसे चोरी कर लिया और यार फर्नेस भी ले लिया यार, मैंने कहा कि कहीं। तो डायमंड मिल गया, ऑब्सिडियन मिल गया, ओ माय गॉड, मेरे चेहरे पे इससे ज्यादा तगड़ी बत्तसी चमक रही थी ऑब्सिडियन देखते ही, तुम क्या जानो व्यूअर्स ये बात, मजा आ गया था देख के यार ऑब्सिडियन और डायमंड, दिल को सुकून सा मिलता है। फिर मैंने अपने बहुत दिनों का चोरी का सामान सारा चेस्ट में डाल डाला यार, और फिर खेती करने निकल गए। फिर यार इन सब के बाद हमारा काम हुआ नीदर पोर्टल बनाने का शुरू। तो बस देखो कितना प्यारा नीदर पोर्टल बनाता हूँ मैं। तो ये हो गया हमारा नीदर पोर्टल तैयार यार, जिसे हम कल मुहूर्त देख के शुरू कर देंगे। हाँ तो यार फिर हमें पे फ्लिंट एंड स्टील तो है नहीं बिल्कुल भी, तो आग लगाने के लिए हमने फेंस और लावा डाला, क्योंकि यार लकड़ी जल के भी तो आग ही देती है, एकदम लॉजिक इस्तेमाल करो ना। हमने वुडन ब्लॉक इसलिए नहीं डाला क्योंकि हम थोड़े कंजर से हैं, समझ गए ना, सीधी बात ये है। और इसी के साथ हमारा नीदर पोर्टल तैयार। यार तो नीदर से हमें बहुत सारा लावा चाहिए था क्योंकि हमें पूरी बाउंड्री बनानी थी अपने घर के पास में लावा की। तो बस हम लावा इकट्ठा करना शुरू कर दिया यार, बहुत ज़्यादा लावा इकट्ठा कर लिया हमने, ऐसे करके धीरे धीरे टाइम लगा पर हमने धीरे धीरे कर लिया इकट्ठा, बहुत मेहनत का काम था पर हाँ हो गया यार, हो गया। तो लावा इकट्ठा हो गया था तो यार हमने फिर अपना खुदाई का काम शुरू कर दिया क्योंकि हमें लावा डालना है भाई इसमें। तो तो भाई अब लावा डालना था हमें भाई, ये भी बड़ा मुश्किल का गरम गरम सा काम था यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस काम में, तुम क्या जानो यार, खून पसीना एक करके हमने लावा लाया और फिर उसे हम डाल रहे हैं। तो भाई ये हमारी बाउंड्री बनने वाली थी, पूरे समाज के लिए रक्षा कवच है ये हमारी। और यार ये यहाँ पे हो गया था कम्प्लीट, बस बचा हुआ लावा हमने डाल दिया। फिर यार अब नाइट स्टॉकर से बचने का कुछ उपाय लगाना था, इन लोगों को भगाना था, तो रोशनी चाहिए थी हमें, बहुत सारी रोशनियाँ चाहिए थी रोशनी, ठीक है। तो हमने फिर चुराई हुई लाइटें लगाना शुरू कर दी रोशनी लाने के लिए, लाइट तो आ गई पर रोशनी नहीं आई यार।
अब यार हमें जानवरों को रखने का एक तबेला भी तो चाहिए था जिसमें हम सारे जानवर रख सके, तो बस बनाना शुरू कर दिया हमने वो तबेला। देखो इसकी छोटी सी क्लिप। इन्होंने मेरा जाने का भी इंतजार नहीं किया, वहीं शुरू हो गए और मेरे को एक छोटा प्यारा चिंटू दे गए। हाँ तो हम शिप को लेके आ गए थे यार, इन लोगों ने मेरा जाने का इंतजार किया पर हम डीट थे इस बार, तो इन्होंने फिर मिंटू दे ही दिया। हाँ तो यार फिर हमने शुरू कर दिया अपना ट्रेडिंग हॉल बनाना, क्योंकि चोरी चकारी करके आर्मर बनाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था और सारे डायमंड के चीज़ है, तो इसलिए यार ट्रेडिंग करके ही हम सब कर सकते थे, इसलिए हमने ट्रेडिंग हॉल बनाना शुरू कर दिया। तो ये ट्रेडिंग हॉल बड़ा प्यारा बना है, देखते जाओ। ट्रेडिंग हॉल तो बन गया था लेकिन अब मुझे काम करने के लिए जो लोग चाहिए थे ना, वो फाउंटेन के पास बड़े आसानी से मिल जाते, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत सारे लोग होते हैं तो किडनैपिंग ना बहुत आसानी होती है वहाँ पे, तो मैंने सोचा कि वहीं पे गेट बनाया जाए जिससे मैं बोट में किडनैपिंग बहुत आराम से कर सकूँ। यार ट्रेडिंग हॉल तो बन गया था लेकिन अब ट्रेडिंग हॉल में यार बेड्स चाहिए थे लोगों को सोने के लिए, तो हमें चोरी चकारी पर दोबारा जाना था दूसरे विलेज से बेड चुरा के लाना था, इतने घटिया चोर हैं हम। तो हमने बना लिया यार डायमंड एक्स और फिर आयरन पिकैक्स जो हमारे औकात में था। तो देखिए मेरी चोरियों की एक छोटी क्लिप जो न्यूज़ पे आई थी। हर बार क्या हो गया भाई, कितना निर्लज आदमी यार, मेरे मना करने के बाद भी मेरे दुश्मनों के साथ नाच रहा होता है। तो फिर हमने मृत्यु दंड दे डाला। अब बारी थी यार हमें ट्रेडिंग हॉल पूरा करने की, तो हमने बेड लगाना शुरू कर दिया। तो यार अब हमें ग्राइंडस्टोन बनाना था और ब्लास्ट फर्नेस बनाना था, क्योंकि ये दोनों मुझे ऐसे दो अनमोल रत्न देंगे, एक का नाम है कवच की दुकान और दूसरे का नाम है हथियार की दुकान। इन दोनों को अमीर बना के यार मैं इनसे डायमंड के इक्विपमेंट्स ले सकता था और डायमंड का कवच, तो यार माइन करना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमें ये दोनों तो चाहिए थे। यार इसके बाद मैंने बीच समाज में एक वेल्ला इंसान का किडनैप कर लिया और किसी ने कुछ बोला तक नहीं, क्योंकि यार किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, वेल्ला इंसान है ले जाने दो, सब ऐसे थे, कोई किसी को कोई मतलब नहीं, किसी ने चू तक नहीं किया। इसे मैं ले आया, दरवाजे बंद कर दिए और भाई मैंने तोड़ दिया बोट, और फिर मैं था कि भाई धक्का मारना पड़ेगा, पर यार ये खुद ही जा रहा था काम पर, मेरे को लगा यार ये इम्प्रूव करना चाह रहा है, मैं वेट किया भाई चल चल खुद ही चल जा, मेरे को लगा ये सारे देख रहे हैं कि क्या क्या अवेलेबल है इसके काम के लिए, फिर ये सिलेक्ट करें। ये जाके महाशय वहाँ खड़ा हो गया भाई, मैं देखता रहा इसे, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, वहाँ खड़ा रहा। फिर मेरे को आया गुस्सा, फिर मैंने मारना शुरू करा भाई इसे, कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और फिर भाई इसने काम ले ही लिया फाइनली। तो यार अब बारी थी मिशन रिंटू की, तो मिशन रिंटू के लिए हमने बहुत सारा पोटैटो खर्च किया यार, बहुत सारा मतलब बहुत सारा, मुझे लगा कि मेरे कारण ये पास नहीं आ रहे इसलिए मैं चला गया दूर, और दूर से इन पे नज़र रखने लगा, यार पास आ जाओ यार, आ जाओ पास, आ जाओ पास यार, प्लीज़ पास आ जाओ। इसरो कम इन ग्राउंड रिपोर्ट, वो पास आ चुके हैं, अब बस देखना क्या होता है।
इसरो का मेन इंटू मिशन में कोई अपडेट नहीं है, वो बस खड़े हैं वहां पे। इसरो का मेन ग्राउंड रिपोर्ट शुरू हो गया प्रोसेस। प्यार बढ़ रहा है, प्यार बढ़ रहा है। इसरो का मीन, इसरो का मीन, रिंटू आ गया सर। पूरी दुनिया से कहो कॉफी दो। सर बहुत प्यारा रिंटू है सर, खुशी का माहौल है सर, आंखों में आंसू आ गए सर। हाँ तो मिशन रिंटू के बाद हमें जाना था नीदर में यार, उससे पहले हमें बनाना है डायमंड पिकैक्स। हाँ गरीबो तुम्हारी तरह स्टोन पिकैक्स नहीं रखते हम, समझे क्या? हलाला बेबी नीदर में जाके हम बहुत सारी पिगलिन के साथ ट्रेड करती, पैसा ही पैसा होती, धीरम ही धीरम कमाती, बहुत अमीर हो जाती हम। बन गया हमारा पिकैक्स, अब चलते हैं नीदर। नीदर जाके हमने तो बहुत सारा सोना इकट्ठा करा, मजाक से हटिए बहुत ज्यादा सोना, कम से कम एक दो दिन हमने बस सोना ही माइन किया है। तो यार मेरे को ट्रेडिंग करने के लिए कुछ पिगलिन मिले तो मैं उन्हें गोल्ड टॉस कर रहा था, पर ये बच्चा यार मैं बार बार सोना उठा लेता, मैंने कहा कोई बात नहीं चलो बच्चा बच्चा करके माफ़ कर दिया बहुत बार। फिर यार खुंदस पड़ गया था ये क्योंकि हर बार उठा लेता, फिर मेरे को जो गुस्सा आया था मैंने डायमंड एक्स लेके इसके पीछे जो कुत्तों की तरह इसे मैंने भगाया है ना पूरे इसी के घर पे, ऐसा भगाया कि इसके पापा मेरे पीछे पड़ गए। फिर पापा को भी ना गोल्ड फेंक के मेरे को खरीदना पड़ा, फिर इसके पापा 2 मिनट में बिक गए और इन्होंने मेरा पीछा नहीं करा और फिर मैंने इसके साथ मस्त ट्रेडिंग करी यार बैठ के। यार पिगलिंस भाग भाग के मेरे को दिमाग खराब कर चुका था, इसलिए यार मैंने एक बहुत प्यारा सा इनके लिए कैद खाना बना दिया फेंस डाल डाल के, जिससे कि यार मैं आराम से ट्रेडिंग कर पाऊँ। एकदम मेरे पोर्टल के पास में ही था तो बस बहुत टाइम तक ट्रेडिंग करी मैंने इनके साथ, क्योंकि यार मेरे को एरोज चाहिए थी सीधी बात है, क्योंकि फ्लेचर्स की जगह इनसे एरो लेना ज़्यादा आसान था मेरे लिए। तो यार बस हमें अब असली दुनिया में ट्रेड करके एमरल्ड चाहिए थे, जिससे कि हम डायमंड सूट अपना खरीद सकें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो भाई धमका के काम होगा नहीं लोगों से। तो इसलिए हमने फार्मिंग करना शुरू किया और फिर यार हमने दोबारा से क्रॉप लगा दिए, जिससे हम दोबारा आके से काट सके मस्त एकदम। ट्रेडिंग का कीड़ा हमें इतनी गंदी तरीके से काटा था कि इस बंदे को हमने नींद से उठा के आधी रात में ट्रेड करा है इसके साथ, समझे? पर यार आलू बड़े सस्ते खरीद रहा था यार, बड़े कौड़ी के भाव खरीद रहा था, बड़े कम एमरल्ड्स दे रहा था हमारे आलू के बदले। यार फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल नहीं किया था हमने यार, तब भी इतना कम रेट दे रहा था, तो गुस्से में आके हमने इसका बेड तोड़ दिया। हलाला बेबी हमने इन फार्मर से ट्रेड करके हो गई रिची रिची। तो यार एक दिन ये भटकती आत्मा आई मेरे पास, इसके पास कोई अच्छा सामान तो था नहीं, फिर मैंने यार इस भटकती आत्मा को दोबारा नर्क लोक भेज दिया, क्योंकि मैं यार डेविल हूँ ना, कुछ भी कर सकता हूँ। तो यार मेरे को मेन बात यह है कि मेरे को इसके लामा बड़े पसंद है, तो मैंने इसे ले जाके अपने खेत में बांध दिया। ये पान की पिचकारी छोड़ता हूँ, उसका क्या कर सकते हैं यार अब हम। अब यार फ्लेचर से भी ट्रेड बहुत आसान होता है, तो इसलिए हमने फ्लेचर और फार्मर से ही सबसे ज़्यादा ट्रेड करके हमने एमरल्ड्स कमाया यार। इतना बोलते हैं यार ये लोग, मेरे को तो कान ही पकड़ डाले थे। फार्मरों को तो भाई मैंने रात में भी नहीं छोड़ा, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करी उनके साथ। तो यार
अपने कवच भाई साहब के पास जाके हमने पतलून और सॉक्स खरीद लिया और उसको मास्टर बना डाला। हम फिर फार्मर्स के पास पहुंच गए मुंह उठा के। तो फाइनली हम पे आर्मर आने वाला था, पर क्या यार हम पे 2 एमरल्ड कम पड़ गए। तो हम जाके चेस्ट में ढूंढने लगे कि हम पे है कि नहीं, और चमत्कार की बात है 10 एमरल्ड मिल गए। और जाके हमने यार अपना मुकुट भी खरीद लिया, और भाई फुल चौड़ में तुम्हारे भाई ने पूरा मुकुट, कवच, पतलून और सॉक्स पहना यार एक ही साथ। क्या मस्त लग रहा था, चमकता धमकता एकदम, टन टन टना टन। तुम्हारे भाई के खुशी का ठिकाना ही नहीं था भाई साहब। तुम्हारा भाई ऐसा नाचा सबके सामने, ऐसा नाचा कि लोग देखने वाले पागल हो गए भाई साहब। ट्वर्क का नेक्स्ट लेवल कर डाला तुम्हारे भाई ने, आग लगा दी पूरे मार्केट में भाई साहब। इधर उधर घूम घूम के नाच रहा था भाई। Day 71 पे यार हमारा डायमंड सूट रेडी था, बस हमें नीदर राइट का बनाना था, बस डबरी ढूंढनी थी, बस नीदर में जाके दोबारा से मेहनत है भाई, मेहनत। तुम्हारा भाई खुश था। तो यार डबरी के लिए अब हमें बेड्स चाहिए थे, क्योंकि यार वहाँ पे ब्लास्ट करना था। और तो मैंने इन्हें खाना भी खिलाया और इनको नंगो भी करा। नंगो ही नंगो घूमत है, नंगो घूमतो नंगो। तो यार हम पे अच्छी खासी भूल हो गई थी। तो नीदर के शैतान की दुआ से यार जल्द से जल्द डबरी मिल जाए भाई। हमें यकीन नहीं हुआ इतनी जल्दी डबरी मिल गया भाई। नीदर भाई तुम तो कमाल हो, नीदर शैतान इतनी जल्दी मान गए भाई, मज़ा आ गया। चलो और ऐसी डबरी दे दो यार। तो हमने यार बेड लगा डाला और ये बूम, अरे भाई बा, 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 भाई जला डाला तुमने तो। जहाँ जाओ सब जगह जला ही रहे हैं यार, सब जगह बर्नआउट दे जा रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। भगाना चाहते हैं क्या मुझे, डबरी ढूंढने से रोकना चाहते हैं क्या? लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, मिशन डबरी तो पूरा होगा यार। मजाक नहीं कर रहा, डबरी ढूंढना बहुत मुश्किल काम है यार। इससे अच्छा तो मैं कहीं जाके ना यार झाड़ू पोछा मार लेता और उसमें मैं 100 रुपये ज़्यादा कमा लेता। लेकिन यार डबरी ढूंढने ने तो रुला डाला कसम से यार। तो यार इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है इसी बात को लेके यार, इतनी मेहनत करी है। आज तालिबान के शैतान हम ही बनेंगे, पूरे नीदर को उड़ा देंगे यार डबरी ढूंढने के लिए। आज मैं इतने बेड फोड़ूंगा ना कि नीदर के शैतान को तो मैं जगा दूंगा भाई, मतलब वही उठ के आ जाएगा भाई, ले ले डबरी भाई, जा निकल यहाँ से। इतने ज़्यादा बम फोड़ूंगा मैं, सॉरी बम नहीं बेड फोड़ूंगा मैं। फाइनली मेरे पास डबरी हो गई थी। 3 दिन मैंने नीदर में जो घिसी है ना अपनी, तब जाके मेरे को डबरी मिली भाई 36। यार इनको लावा में डालो तो इन्हें कुछ होता नहीं, और फर्नेस में डालो तो इनके तो बिस्किट बन जाते हैं यार। नहीं हम माइनक्राफ्ट लॉजिक में बिल्कुल नहीं घुसेंगे, क्योंकि वो है ही नहीं तो घुसे क्या। हमने एक पिकेक्स भी बना ली यार अपने लिए। ये विलेज कुछ ज़्यादा ही मॉडर्नाइज हो चुका था यार, सब कुछ खुले में हो शुरू हो गया था यार। छी छी फाइनली यार डबरी में कवर होने जा रहे हैं, डेविल का सूट बन गया यार, पहला तो हो गया हमारा काम। यार क्या बताऊँ यार, मैं खुशी से बहुत पागल हो गया था कि रात में इन्हें आलू फेंक फेंक के जगा के मैंने इन्हें अपना डांस दिखाया यार। फिर भी ऐसे हो गए कमीने, फिर भी मेरे रुके नहीं। तो यार फिर हमने कुछ इंचैनमेंट्स डाली यार जो मेरे औकात में थी, और मैंने अपने तलवार का नाम रख दिया
मेरी हिम्मत, क्योंकि यार उसे पकड़ के हिम्मत सी आ जाती थी, लगता था हमने कुछ बड़ा काम कर दिया, इसलिए उसका नाम ही मैंने रख दिया मेरी हिम्मत। तो यार अब काली हड्डी से लड़ने का टाइम आ चुका था, उनकी माँ को बुलाना था, उनके स्कल चुरा के भाई साहब इनके साथ मैंने आग में चोली खेल खेल के लड़ाया है। भाई साहब एंट्रेंस पे इतनी लड़ाई करवा दी कि मेरे को भागना पड़ा, लेकिन मैं भागा नहीं, खाना खा के वापस आया इनके साथ लड़ने के लिए, क्योंकि यार मेरे को चोरियाँ भी तो करनी है, चोरी तो हमारे खून में बसी पड़ी है। फिर इन्हें इन्हें इतना मारा, बुला बुला के पास बुला बुला के इन्हें रुला रुला के मारा भाई साहब, लेकिन ये मेरे को पागल बहुत बनाते थे, कोयला गिराते थे हर बार भाई साहब। और फिर हमें यार मैंने इनकी चाची अगरबत्ती से लड़ाई किया, क्योंकि उसकी मेरे को मोमबत्ती चाहिए थी, और मैंने गड्ढा भी खोद दिया इन काली हड्डियों के लिए, कोई फंसे तो यार। और भाई इन अगरबत्तियों ने मेरे को बहुत ज़्यादा मारा यार, बहुत ज़्यादा अगरबत्ती एक साथ आ गई थी, मैं सह नहीं पाया, फिर मैं वापस चला गया, फायर रेजिस्टेंस लेके मैं वापस आया और हमें एक स्कल मिल गया। इतनी खुशी मुझे। यार फिर इस मोमेंट को मैंने खाते खाते एंजॉय किया, हमारे ट्रैप में एक फिदर फंस गया था यार, फिर उसे मारने के बाद मेरे को आखिरी स्कल मिल गया और मैंने इनकी मम्मी को बुलाया। तो पहली बार मम्मी को बुला रहे हैं तो उनके लिए कुछ खातिरदारी के लिए तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो यार मेरे को विदर को मारने में एक बहुत आसान तरीका सोचा यार, मैंने उन्हें बेडरॉक के बीच ले जाके मारा, निदर में चला गया और भाई साहब वहाँ पे खुदाई करना शुरू कर दी और मैंने पूरा एकदम फाइटिंग एरिया तैयार कर दिया, देखते जाओ। तो यार मैंने फुल प्लानिंग करी कैसे क्या करना है, कहाँ से स्कल डालना है, कहाँ से फिर हमें कैसे उतरना है, सब कुछ देखा मैंने, कैसे हर चीज़ करनी, क्योंकि यार आंटी पहली बार आ रही थी हमारे घर पे, तो साफ़ सफाई अच्छी होनी चाहिए, उनकी खातिरदारी बहुत प्यारी करनी है हमें, समझ रहे हो, ताकि उन्हें भी लगे कि उनका बच्चा बहुत अच्छे खानदान के लड़के के साथ घूम रहा है। पर यार हमने यहाँ पर गलती से ऑब्सिडियन पहले डाल दिया तो हमने तोड़ना पड़ा, उसे ठीक करना पड़ा, मेरी गलती से। हमें सब सही चाहिए थी भाई, आंटी को बुलाने के लिए परफेक्ट चाहिए था, कि आंटी को भी लगे कि उनका बच्चा बहुत ऊंचे घराने के लड़के के साथ घूमता है, बस यही जताना था आज हमें, भले ही हम लिचड़ हो, गली के गलीच हो, कुछ भी हो, लेकिन आज हमें सबसे बढ़िया दिखना था, हमारा घर प्यारा लगना था। तो बस हम रेडी हो चुके थे, फाइनली तीन मुई या राक्षस यानी उनकी माँ को मैंने बुला लिया और फिर भाई मारने का बंदोबस्त मैंने फुल सेट कर लिया। तो मैं चढ़ गया यार उसकी खोपड़ी में मारने के लिए, पटाक करके खोपड़ी मारा, उसे गुस्सा आ गया यार, मेरे को पता नहीं था यार ऐसा विस्फोट भी कर देगी, मेरी ये तो हालत खराब हो गई भाई साहब, मैं एकदम चुपचाप पीछे से भग गया और भाई मैं तीर मारने लगा, मैं देखा कि आ नहीं रही है, पटापट 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 मारता गया मारता गया मारता गया मारता गया, देखा उससे कुछ हो ही नहीं रहा भाई, वो हिली नहीं पा रही, वो वहीं पे फंस गई थी। और इसी के साथ हमने विदर को डिफीट करने का फुल वो कर दिया भाई, बहुत रोमांचक एकदम फाइट थी, इससे ज़्यादा रोमांचक फाइट मैंने आज तक देखी नहीं, उसमें शैतान वो पागल हो रही थी, वो कुछ कर नहीं पा रही थी, वो मेरे पे भाई अटैक करने का सोच रही थी पर उसे जगह नहीं मिल रहा था कैसे अटैक करे, और मज़े आ रहे थे भाई इसी के, मैं एकदम फुल, अबे भाई वो नीचे नीचे और फोड़ दिया वो भाई, मैं डर गया मैं डर गया, विदर को भी भाई मार दे मार दे मार दे जल्दी मार दे, इससे पहले उसे और गुस्सा है, मैंने उसको अपनी कुल्हाड़ी से अटैक करके मार दिया। और भाई निदर स्टार देख के मेरी चेहरे पे जो खुशी थी ना भाई तुम समझ नहीं सकते, इसे भी हमने खा के इंजॉय किया। इसके बाद हमें लावाइश घर बनाना था और अपना बीकन बनाना था, तो काम शुरू करते हैं।
तो यार ये लकड़ी वाली बात ना अपने बीच में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए समझे, वरना तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। और ये अनकैलकुलेटेड बेकार सा बीकन बनाने की भी बात अपने बीच में रहनी चाहिए समझे। और मैंने मार्स के एलियन को नचा डाला यार। इसके बाद बादल बैठ के हमने बहुत सारी जंग जीती और पूरी दुनिया घूमे। क्या डैशिंग लग रहा हूँ यार। अभी अभी रुको रुको रुको, वीडियो खत्म नहीं हुआ, थोड़ा एक्स्ट्रास भी देख लो यार। घर बनाते बनाते हमें बड़ा धमासान युद्ध देखने को मिला और ये दोनों एक दूसरे पे तीर लेके एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, टकाक टकाक। ओ भाई सब क्या युद्ध है, दोनों एक दूसरे से एकदम बिना डरे लड़े जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की पार्टी में होते हुए तब भी एक दूसरे को मार रहे हैं। और ये जीता है तो हमें इसे इसका अवार्ड देने जा रहे हैं, पटाक खत्म। जो लोग अब तक वीडियो देख रहे हैं ना यार, तुम लोग मेरे को अपना एड्रेस कमेंट करके बताओ, मैं तुम्हें ना अपने हाथों से मिठाई खिलाऊंगा यार, तुम्हें चुम्मी दूंगा यार। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोना। यार तो तुमसे बस एक और उम्मीद वाला काम करना है तुम्हें यार, इस वीडियो को मोस्ट लाइक वीडियो बनाना है मेरे चैनल का, और बहुत ज्यादा कमेंट चाहिए इस वीडियो पे, और हद पार शेयर कर डालो यार इस वीडियो को। और जो लोग नए हैं ना यार, तुम पिकेक से करो या कुल्हाड़ी लेके करो, मुझे नहीं पता, बस वो लाल वाला बटन ना दब जाना चाहिए, और भाई साइड का बेल आइकन भी दब जाना चाहिए। और तुम लोग भी यार भर भर के शेयर करो और कमेंट और लाइक कर डालना, ठीक है। और अगली वीडियो किस पे चाहिए ये भी कमेंट करके बताओ, ठीक है। और यार सब्सक्राइब इतना करो ना, डेविल के परिवार को 1000 के पार कर डालो यार। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, हैव अ नाइस डे। चलो बाय बाय, टाटा।